मैं सत्या, आप देख रहे हैं सत्यावर चैनल। वेलकम टू सत्यावर चैनल। आज की खास खबर, हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमारे एक्टर प्रवास। जी हाँ दोस्तों, एक्टर प्रवास ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल में उन्होंने कहा था कि वो राधे श्याम की पिक्चर का टीज़र जो रिलीज़ होगा वैलेंटाइंस के दिन। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, वाकई वैलेंटाइंस के दिन इस पिक्चर का टीज़र रिलीज़ हुआ और काफ़ी अच्छा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप प्रवास के फ़ैन हैं तो काफ़ी आपको पसंद आया होगा अगर आपने टीज़र देखा है तो। अगर आपने नहीं देखा है तो टीज़र देखिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी पिक्चर का टीज़र काफ़ी अच्छा है और ये पिक्चर जो है तेलुगू, तमिल, हिंदी और मलयालम में रिलीज़ किया जाएगा। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल पिक्चर का जो रिलीजिंग डेट है 30 जुलाई को रिलीज़ किया जाएगा इसी साल। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वो ये है कि हमारे सोनम कपूर, एक्टर सोनम कपूर जो है फिलहाल अपनी पिक्चर की शूटिंग उन्होंने ख़त्म की है सिर्फ 90 डेज में, ब्लाइंड नाम के पिक्चर का। जी हाँ, बाकी एकदम थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर पिक्चर है। बाकी काफ़ी अच्छा उनका प्रेजेंटेशन है और क्योंकि उन्होंने कुछ फ़ोटो शेयर किए, बाकी अच्छा वहाँ के हालात के बारे में थोड़ा कुछ उसमें बताया गया है क्योंकि वहाँ का लोकेशन जो एकदम ठंडा है, स्कॉटलैंड वहाँ के इस महीने में काफ़ी ठंडा रहता है, जिसके चलते उन्होंने शूटिंग्स भी फटाफट उन्होंने कंप्लीट किए सिर्फ 90 डेज में। जी हाँ, अगली खास खबर हम वाले फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि हमारा आयुष्मान खुराना फिलहाल अपनी पिक्चर के शूटिंग में थोड़े व्यस्त है, अनेक नाम के पिक्चर का। जी हाँ दोस्तों, वाकई उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल में कह चुके थे कि इस पिक्चर की शूटिंग शुरू होने वाली है। जी हाँ, फिलहाल अभी अपने शूटिंग में काफ़ी व्यस्त है और इस पिक्चर की शूटिंग नॉर्थ ईस्ट में किया जा रहा है, जिसके चलते वहाँ के लोग भी उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं और उनके साथ अपना प्यार बांटते हैं और साथ में उनका फोटो लेना काफ़ी पसंद करते हैं, जिसके चलते उनके काफ़ी अच्छा लगा आयुष्मान खुराना के उनके भी वहाँ पे फैंस हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। जी हाँ, अगली खास खबर हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि RRR पिक्चर जो रिलीज़ होने वाला है कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, और वो भी सिर्फ इस पिक्चर में आपको साउथ इंडियन एक्टर्स ही नहीं बल्कि आपको इसमें बॉलीवुड एक्टर्स भी एक्टिंग करते नजर आएंगे। जी हाँ, राजमौली जो बाहुबली पिक्चर के डायरेक्टर है वो इस पिक्चर को डायरेक्ट करने वाले हैं और इस पिक्चर में हीरो के तौर में दो बड़े हीरोज इसमें दिखाई देंगे साउथ इंडियन हीरोज, तो रामचरण और जूनियर NTR, जिसके चलते इसमें सपोर्टिंग एक्टर्स के तौर में आपको आलिया भट्ट और अजय देवगन आपको दिखाई देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे इस पिक्चर के हिंदी वर्जन, हिंदी डबिंग में इसमें आपको आलिया भट्ट गाना गाते हुए और खुद अपने वॉइस में डबिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, खुद ही गाना गाएंगे क्योंकि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि गाना भी काफ़ी अच्छे से गा लेती है, जिसके चलते अपने टैलेंट को, अपने फैंस को खुश करने को के लिए वो गाना खुद गाएंगे। जी हाँ, अगली खास खबर हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि हमारे एक्ट्रेस नूर फतेह, जी हाँ, एक डांसर है, हाल ही में उनका एक एल्बम सॉन्ग रिलीज़ हुआ था तो काफ़ी अच्छा चला था और लोग उसे पसंद करने लगे, जिसके चलते अभी वो पिक्चर में एक्टिंग करने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल रेमो डिसूज़ा जिन्होंने ABCD का पार्ट 1 पार्ट 2 उन्होंने सीक्वेंस में उन्होंने रिलीज़ किए थे और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किए, जिसके चलते अभी पार्ट 3 भी रिलीज़ करने वाले हैं जिसमें नूर फतेह भी आपको नाचते हुए नजर आएंगे। दरअसल ऑलरेडी रेमो डिसूज़ा ने स्ट्रीट डांसर के पिक्चर में नूर फतेह को चांस दिए थे, जिसके चलते वो काफ़ी अच्छे नाची थी और अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसके चलते अभी वापस उनकी अगली पिक्चर ABCD 3 में भी उन्हें नजर आएगी नूर फतेह। जी हाँ, एक खास खबर हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि हंगामा पार्ट 1 काफ़ी चला था लोगों के बीच, जिसके चलते अभी हंगामा पार्ट 2 भी शूटिंग फिलहाल अभी ख़त्म किया, जैसल पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, जैसल मई तक इस पिक्चर को रिलीज़ करने की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खास खबर ये है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हमारे अजय देवगन की अगली पिक्चर है मैदान। जी हाँ, दरअसल लॉकडाउन के पहले इस पिक्चर का कुछ शूटिंग इन्होंने शूट कर लिए थे पर लॉकडाउन के चलते इसे रोक दिया गया था। अब इस पिक्चर की शूटिंग वापस शुरू किया है 14 फरवरी को, इन्हें वैलेंटाइंस के डे नहीं, और इस पिक्चर का शूटिंग ख़त्म कर दिया जाएगा अप्रैल महीने तक। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, और इसका काम काज काफ़ी फटाफट चल रहा है क्योंकि इस पिक्चर को भी जल्दी रिलीज़ किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल सत्यावर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मुझसे भूलोगे तो माफ़ कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।